अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो चुके हैं अपने कमज़ोर बालों को लेके, या फिर अपनी पतली चोटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, काले नहीं हो रहे हैं, बालों में चमक चली गई है, बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो आज आप लोग के साथ अपना सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप लोग अपने बालों को तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, पतली चोटी को मोटा बना सकती हैं। रेनी सीज़न आ गया है तो इस टाइम पर सब लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग किस तरीके से अपने हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बालों को काला घना बना सकते हैं। अगर आप लोग हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल निकल के आ रहे हैं, या फिर आप लोगों के सर में डैंड्रफ की पपड़ी जम गई हैं, इसके साथ ही साथ सर में जुएं, लीक है, इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या फिर आप लोगों के बालों में से बिल्कुल से शाइन चली गई है, बाल एकदम से बेजान से हो गए हैं, रूखे सूखे से हो गए हैं, बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, रूखे सूखे बेजान से हो गए हैं, कोई चमक नहीं है, या फिर आप लोग इसके साथ ही अपने बालों पर हीटिंग ट्रीटमेंट कराते हो, ये जो आप लोग धुआं निकलते हुए देख रहे हो ना, ये हमारे बालों में मौजूद नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, बट हीटिंग की वजह से ये सब जल जाते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप इस सबको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल आपने फर्स्ट स्टेप में करना है, अब 3 महीने में एक बारी कटिंग अपने बालों को नीचे से कट करना है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि 2 मुँह बाल निकल जाएंगे और आप लोगों के बालों की ग्रोथ होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। 2 मुँह बाल निकलने से बाल ग्रो होते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने बालों को तरह तरह के शैम्पू से धोते हैं, हर बार शैम्पू बदलते हैं, अलग तरह के कंडीशनर अप्लाई करते हैं बालों को तेज़ी से ग्रो करने के लिए, इसके साथ ही आप लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, तो ये हमारे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो आपने इस सबको कम करना है, अपने बालों को इतना ज़्यादा हो सके पार्लर में जाके ट्रीटमेंट कराना बंद कर दो, नेचुरल होममेड रेमेडीज अप्लाई करो, बालों में पार्लर जैसा ही ट्रीटमेंट आप लोग को घर बैठे करने को मिल जाएगा। इस तरीके से अपने बालों को एक बार धोना, जो सीक्रेट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे यूज़ करने के बाद आप लोग के बालों में भाई साहब ऐसी ही गजब की चमक आ जाएगी। बस आपने कुछ टिप्स फॉलो करनी है, जैसे कि आपने कंप्लीट 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। भैया 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। अगर आप लोग सुबह उठते ही फ़ोन चलाने शुरू कर देते हैं तो इसे बंद कर दो, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। ऐसे में फ़ोन की हीटिंग की वजह से, उसकी रेडियंस की वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और हमारे स्किन प्लस हेयर और हेल्थ को भी काफ़ी डिस्टर्ब करता है। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगे हो तो भैया इसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि ये हम लोग के स्किन को, हेयर को इतना ज़्यादा डैमेज करता है। इसकी जगह पे आप लोग हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दो, हरी सब्जियां खाना स्टार्ट कर दो, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, कैल्शियम हो और तरह तरह के विटामिन फाइबर हो। इसके साथ ही आज आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग अपने बालों को किस तरीके से धोएं। आप लोगों ने कोरियंस को देखा होगा कि उन लोग के बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बाल इतने ज़्यादा लंबे होते हैं, प्लस बाल में इतनी ज़्यादा चमक रहती है और अनस्टॉपेबल हो हेयर ग्रोथ होने लगती है इन लोगों के बूढ़े होने तक। तो वो किस तरीके से अपने बालों को ग्रो करते हैं, अपने बालों पर ऐसा क्या अप्लाई करते हैं, वही आप लोगों के साथ भी आज शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, भृंगराज पाउडर आपने ले लेना है। आप लोग के पास अगर घर पे बना हुआ होममेड हो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप मार्केट में जाके आराम से जाके ख़रीद सकते हो, लोकल शॉप्स पे ऑनलाइन आपको ये इजीली अवेलेबल होगा। उसके बाद आपने 1 चम्मच ऐड कर लेना है, एंड लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी। ये दोनों चीज़ें हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। देखो जो हमने इसमें भृंगराज पाउडर ऐड किया है, ये हमारे बालों को काला करने में और बालों को घना प्लस बालों को मोटा करने में मदद करता है। अगर आप लोग के बाल बीच में से टूट जाते हैं ना, 2 मुँह हो रहे हैं, तो भृंगराज पाउडर इन सबको ना कंट्रोल कर देगा, आप लोग के बालों को घना करेगा, नए बाल उगाने में मदद करेगा और आप लोग के बालों को मोटा बनाने में मदद करेगा। उसके बाद हमने इसमें जो चीनी ऐड करी है ना, तो जब आप लोग के बालों में से बिल्कुल से शाइन चली जाती है, तो चीनी हमारे बालों में शाइन लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, बालों में चमक लाने में हेल्प करती है और हमारे बालों को बहुत ही अच्छे तेज़ी से शाइन और ग्रो करने में मदद करती है। आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, ओवरनाइट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। ओवरनाइट के बाद आप इसे देखेंगे ना, तो इसका पानी इतना ज़्यादा काला हो चुका होगा, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है।
आपने क्या करना है, मॉर्निंग में इस पानी से आपने अपने बालों को जिस तरीके से वॉश करते हैं उस तरीके से आपने इस पानी को अपने बालों के ऊपर डालना है और मसाज करते हुए अपने बालों को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, शैम्पू लें एक बारी और हल्का शैम्पू, माइल्ड शैम्पू यूज़ कर अपने बालों को वॉश करने के लिए उससे अपने बालों को वॉश कर लें। आप लोगों को ये रेमेडी हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही अच्छा आप लोग को रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का यूज़ कर सकें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि जब आप लोग इस रेमेडी का यूज़ करें तो आप लोग को कैसा रिज़ल्ट मिला वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए ताकि और लोग भी विश्वास कर सकें कि होम रेमेडीज़ अच्छे से वर्क करती हैं और बहुत ही अच्छा आप लोग के साथ इसका रिज़ल्ट देती हैं। तो बस वीडियो यहीं तक थी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए।